Hey, what's up everybody, my name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam to Free. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे. तो गाइज देखो, अब कॉमेट के जो डिटेल्स है वो फाइनली उसकी डेट्स सारी जो अनाउंस हो चुकी हैं उसको लेकर एक छोटा सा डिस्कशन रखा हुआ है. और आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे कॉलेजेस में ब्रांच ही एलिमिनेट हो गई है या फिर ब्रांच की जो सीट्स हैं वो गायब हो गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे. जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट कमेंट करके मिलती रहेगी. बहुत ही डिटेल में हम लोग यहाँ पे इसका एनालिसिस करेंगे. साथ ही साथ आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं, ताकि उससे कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा. और अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन या इंडिविजुअल काउंसलिंग या मेंटोरशिप के लिए, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. हमेशा की तरह लेफ्ट में आपको सारी चीज़ें दिखाता हुआ चलूँगा. Recording in सबसे progress. पहले आप ये देख लीजिए कि अगर इंजीनियरिंग का पहले यहाँ पे कोई भी स्लॉट नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इंजीनियरिंग का यहाँ पे इन्होंने स्लॉट दे दिया है. ये आपको इसकी वेबसाइट पे दिख रहा होगा, इंजीनियरिंग चॉइस फिलिंग और मॉक राउंड वाला, ये वाला यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा. ठीक है, तो डेट्स क्या दी है, 4/29 से, मतलब कल से ये शुरू हो गया था और ये एंड होगा 2nd ऑफ अक्टूबर तक. और इसका जो अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो आएगा 4th ऑफ अक्टूबर. मैं बता दूँ ये एक मॉक अलॉटमेंट है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ये लग जाएगा कि आपकी रैंक पे क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी. साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले काउंसलिंग नहीं करवाई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काउंसलर से ज़रूर एक बार आप मिल लें, क्योंकि वो आपको आपकी रैंक पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताकर देगा. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है. अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्ज़ाम डिटेल्स, काउंसलिंग डिटेल्स, अगर आप काउंसलिंग डिटेल्स पे चले जाओगे तो काउंसलिंग डिटेल्स पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेट्स मिल जाएंगी. तो अगर मैं डेट की बात करूँ तो राउंड वन का जो शेड्यूल है इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है. अगर राउंड वन के शेड्यूल की मैं बात करूँ तो ये अपना 29th ऑफ सेप्टेम्बर से 2nd ऑफ अक्टूबर तक अपना चलेगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा मॉक का वो आएगा 4 तारीख को. साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको प्रोविजनल टू चेंज, अगर देखो आपको अगर मॉक में पसंद नहीं आता है कॉलेज, आपको लगता है कि नहीं यार तो गलत कर दिया है, तो वो कब से कब तक होगा, वो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक उसका आपको एडिटिंग आप उसकी कर सकते हैं. पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड, मतलब 8 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा. और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ तो डिसीजन मेकिंग एंड द कंफर्मेशन, तो अगर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पे 8 तारीख से 11 तारीख तक आपको जो भी आपको डिसीजन लेना है, फ्रीज, फ्लोट और एक्सेप्ट, इस पर भी आप डिसीजन ले सकते हैं. थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ कि 8 से 12 तारीख के बीच में आपको जो भी डिसीजन है वो लेना होगा. और सरेंडर फैसिलिटी वो एक्सेप्ट ड्यूरिंग द राउंड, सरेंडर फैसिलिटी टू फॉर कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड सीट ड्यूरिंग, और जिन लोगों ने सीट जो है एक्सेप्ट कर ली है और अब वो लेकिन काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, तो 8th अक्टूबर से 13th ऑफ अक्टूबर से राउंड वन के नॉल सरेंडर राउंड वन कैंडिडेट के नॉल. तो जो बच्चे अगर आप चाहते हैं कि उनको सीट सरेंडर करनी है तो उनके लिए भी उन्होंने यहाँ पे डेट दी हुई है. आने वाले टाइम पे मैं आपको बहुत ही डील में कमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपका जो ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं. सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाले टाइम पे बहुत डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे. साथ ही साथ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, अगर आप इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.